हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। डेली सुबह 9 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी, आप आइए वीडियो को देखिए। और मैं 13+ ईयर्स से टीचिंग कर रहा हूँ, अब मैं आपके लिए ऑनलाइन कंटेंट भी लेके आने लगा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग टॉपिक है आपके लिए। एक नया मिलिट्री अलायंस फॉर्म हुआ है चाइना को ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम है AUKUS। तो आप सोचेंगे कैसा नाम है, मैं पूरा डिस्कस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी ये जो मिलिट्री अलायंस बना है, इसकी घोषणा वर्चुअली यहाँ पे हुई है, और इसमें ये बनाया गया है चाइना को फोकस में रखते हुए। ए से यहाँ पे मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके से मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यूएस से मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन तीन कंट्रीज़ ने मिल करके यहाँ पर ये अलायंस बनाया है, और इस अलायंस का जो मेन उद्देश्य है, यहाँ पे मेन पर्पज है, वो है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पावर करना, उनको सबमरीन्स देना, शिप्स देना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ये जब इसका अनाउंसमेंट हो रहा था, ये वर्चुअली यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, इस जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये AUKUS जो मिलिट्री अलायंस जो फॉर्म हुआ, वर्चुअली इसका अनाउंस हो रहा था। तो यहाँ पर अनाउंस होते हुए जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के PM तीनों साथ में थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये हो गई कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का, स्कॉट मॉरिसन का नाम भूल गए। काफ़ी यहाँ पर इसके लिए उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अमेरिकन मीडिया ने इसको बहुत कवर किया, इंटरनेट पे पूरा वायरल हो गया वीडियो। सेम ऐसे ही जैसे इज़राइल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हुए, नफ्ताली बेनेट के साथ मीटिंग करते हुए जो बाइडेन सो गए थे, और सेम ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान के इशू पर उनसे सवाल पूछा गया था कि US अफगानिस्तान में करने क्या गया था, वो बता नहीं पाए थे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। अभी यही मैं प्रे करूँगा कि 24 सितंबर को जो क्वाड समिट होने वाला है, यहाँ पर किसी का नाम ना भूलें और सोए भी नहीं जो बाइडन, मैं यही एक्सपेक्ट उनसे करूँगा। अभी देखिए, ये बहुत एक सक्सेसफुल इवेंट था, यहाँ से चाइना को अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज सेंड किया गया है अभी यहाँ पर। और इस जो मिलिट्री अलायंस फॉर्म हुआ है, इससे फ्रांस बहुत नाराज़ है, वो मैं आपको अभी मैं बताऊंगा। ये जो अलायंस, जनरली ये जो अलायंस बनाया गया है AUKUS, इसमें यहाँ पर ये क्लोज तो अभी के लिए ऐड नहीं किया गया है, जैसा नेटो में है कि एक कंट्री पे अटैक तो सब कंट्री पे अटैक, ऐसा तो कोई क्लोज नहीं यहाँ पर डाला गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, एक पूरा प्लान यहाँ पर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे पावरफुल कंट्री बनाया जाएगा। इन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया को हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, साइबर वारफेयर में हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने वाले हैं, अंडर वाटर सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेज को दी जाने वाली है, और लार्ज मिसाइल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, लार्ज लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैपेबिलिटी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास कैसे पहुँचानी है, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। क्योंकि चाइना ने अभी धमकी दी थी, आपको ध्यान होगा, कि अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हमारे हितों के खिलाफ चलेगा तो हम यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर डेवलप करने वाला है। अभी यहाँ पर जो ये AUKUS अलायंस फॉर्म हुआ है, ये इसमें सबसे पहले करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया को ये लोग देंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स, उससे यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन से यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। न्यूक्लियर सबमरीन्स आपको पता होगा, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी होती हैं और न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। न्यूक्लियर सबमरीन में फ़ायदा ये होता है, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है, इसमें ये आवाज़ बहुत कम करती है, सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट करने में ज़्यादा सक्षम होती है। देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दो फ्रांस क्यों एंग्री है। देखिए 2017 की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे सोचा कि हम अपने लिए हम 12 सबमरीन्स बनवा लेते हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, 12 सबमरीन्स हम ले लेंगे, और इससे क्या होगा कि पूरे रीजन में ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल यहाँ पर कंट्री बन जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने देखा फ्रांस की तरफ, क्योंकि इंडिया भी फ्रांस की तरफ ही अभी के लिए देख रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, उसके साथ इंडिया यहाँ पर मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पर टेंडर दे दिया फ्रांस को, और बोला कि आप हमारे लिए 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स यहां पर बना दीजिए। ये जो
जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 90 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। 90 बिलियन डॉलर, आप सोच लीजिए हमारा जो डिफेंस बजट होता है वो 70 से 75 US बिलियन डॉलर्स होता है एक साल का। तो 90 बिलियन डॉलर कितना, 90 बिलियन डॉलर कितना ह्यूज अमाउंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया यहाँ पर फ्रांस को। लेकिन अभी हुआ क्या, यहाँ पर फ्रांस यहाँ पर बोलता है कि आपकी जो सबमरीन्स की डिलीवरी होगी वो हम स्टार्ट करेंगे 2032 से, यानी कि 11 साल बाद पहली सबमरीन आपको मिलेगी और फिर धीरे धीरे हम आपको सबमरीन देंगे। तो हो सकता है 2032 से शुरू करके 2045 तक या 50 तक फ्रांस अपना ये ऑर्डर को पूरा करता। तो आप देखिए तब तक दुनिया कितनी बदल चुकी होगी। तो ये जब फ्रांस ने बोला तो इसको सुनते ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना यहाँ पर माइंड चेंज किया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इस डील को कर दिया फ्रीज। और यहाँ पर अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जाएगा US और UK के पास में। जो 90 बिलियन डॉलर्स हैं ये जाएंगे US और UK की कंपनीज के पास में। तो इसको लेकर यहाँ पर इसीलिए इस मिलिट्री अलायंस को फॉर्म होता हुआ देखकर फ्रांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनके हाथ से 90 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। और इसके अलावा जो फ्रांस की जो इमेज बिल्डिंग होती पूरी दुनिया में वो मौका उन्होंने गंवा दिया है। और यहाँ पर देखिए इंडिया को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कंट्री अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया ही है। अगर ऑस्ट्रेलिया पावरफुल होता है तो क्वाड यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इंडिया को इससे यहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इंडिया को यहां पर दूसरा बेनिफिट यह मिलता है कि फ्रांस के हाथ से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर निकल गया है। तो अभी फ्रांस यहां पर देखेगा भारत की तरफ फ्यूचर में, और अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फ्रांस यहां पर भारत की तरफ ही देखने वाला है कि उसको और अच्छे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स भारत से मिल सकें। अभी हम 36 और राफेल जेट खरीदने की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, अभी आने वाले टाइम में फ्रांस और राफेल की जो दोस्त फ्रांस और इंडिया की जो दोस्ती है राफेल विमानों के लिए को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाने वाली है, ये कब तक प्रोवाइड की जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर कुछ सबमरीन तो US और UK से यहाँ पर बन के ही आएंगी डायरेक्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ सबमरीन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो अभी के लिए टारगेट ये रखा गया है कि अगले 18 महीने तक हम यहाँ पर न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग का एक फैसिलिटी हम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर डेवलप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करेंगे इन विद इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अब जब ये 18 महीने में 1.5 साल में ये फैसिलिटी डेवलप करेंगे, तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि पहली सबमरीन 2026 के आसपास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मिलने वाली है। अब आपके मन में एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ पर न्यूजीलैंड को इस डील से दूर क्यों रखा गया है, इस मिलिट्री अलायंस से दूर क्यों रखा गया है, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों भाई भाई के जैसे ही रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इशू क्या है, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर बैन कर रखा है न्यूक्लियर पावर को। न्यूजीलैंड ने बोला है कि हम किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर पावर ना ही हम यूज़ करेंगे और ना ही हम इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर जो बात सबसे पहले हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की। तो इसलिए यहाँ पर न्यूजीलैंड को इस डील से यहाँ पर रखा गया है दूर। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उनको चलाने के लिए चाहिएगा यूरेनियम। तो आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर यूरेनियम को एनरिच करेगा, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सबमरीन्स को चलाने के लिए जो यूरेनियम चाहिएगा वो आएगा यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स एनरिच फॉर्म में यहाँ पर यूरेनियम भेजेगा ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर एनरिचमेंट की जो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड नहीं करने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने लिए बना सकता है। तो यहाँ पर US ये एंश्योर कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, केवल यहाँ पर जो उसको एनरिच यूरेनियम चाहिए वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली उसको यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हुआ यहाँ पर ये चाइना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि चाइना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन मिलने वाला है। चाइना ने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंस दिखाया था और ये एक स्टेटमेंट दिया था ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया भी खुद को मिलिट्रली पावर करने में लग गया है। तो ये था एनालिसिस इस पूरे वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। 24 सितंबर को होगा क्वाड समिट, अगर आप उसके बारे में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।